कृपया मेरे चैनल ज्ञान मित्रा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे हस्त पर पाए जाने वाले सीमियन लाइन के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के अलर्ट आपको मिल सके तथा पामिस्ट्री से रिलेटेड नए नए वीडियोस से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जब भी किसी जातक के हस्त पर मस्तिष्क रेखा तथा हृदय रेखा जुड़ी हुई होती है तो ऐसे में हम इस रेखा को सीमियन लाइन कहते हैं, अर्थात यह दोनों ही रेखाएं अलग अलग ना होते हुए एक ही रेखा में होती है, तो ऐसी रेखा को सीमियन रेखा कहते हैं। दोस्तों सीमियन लाइन हमेशा सीधी रेखा होती है। इस रेखा में हर्ट लाइन शनि गुरु पर्वत पर ना जाते हुए बल्कि सीधी निकल जाती है। तो दोस्तों हर्ट लाइन जितना भी कर्व लेते हुए इसका अंत होता है, जातक के अंदर उतना ही इमोशन होता है। उसी प्रकार से दोस्तों हार्ट लाइन के सीधे निकलने की वजह से ऐसे जातक इमोशनलेस होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही कठोर दिल के होते हैं। दोस्तों इस सीमियन लाइन में जो हेड लाइन होता है वो चंद्रमा की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि हेड लाइन जब भी चंद्रमा की तरफ कर्व लेता है तो ऐसे जातकों का इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। पर दोस्तों इस सीमियन लाइन में हेड लाइन सीधी होने की वजह से ऐसे जातक बहुत ही प्रैक्टिकल थिंकिंग के होते हैं। वे आज में जीते हैं तथा ख्वाबों की दुनिया से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इनके इमोशनलेस फीलिंग तथा प्रैक्टिकल थिंकिंग की वजह से ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। ऐसे जातकों का उनके फैमिली से अक्सर मतभेद होता है तथा ऐसे जातक परिवार से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों अपने परिवार के प्रति केयरलेस नेचर होने की वजह से इनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं तथा इनके निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों ऐसे जातक लोगों को अटेंशन बिल्कुल भी नहीं देते हैं तथा लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसे लोग ऐसा नहीं होता कि दिल से अलग सोचें तथा दिमाग से अलग, बल्कि ऐसे लोग एक ही तरह का फैसला लेते हैं तथा इनके इसी नेचर की वजह से ये सफल होते हैं। दोस्तों अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। दोस्तों इंसान का ऐसा नेचर कि वे इमोशनलेस हों, परिवार से उनकी ना बने, बहुत ही कठोर दिल का होना तथा हमेशा पैसे के पीछे भागना या फिर एम्बिशियस होना, तो दोस्तों ईश्वर ने इसका भी तोड़ दे रखा है। दोस्तों ऐसे जातक के हस्त पर कभी कभी गर्डल ऑफ वीनस की आधी या फिर पूरी लाइन बन जाती है। दोस्तों यह गर्डल ऑफ वीनस की लाइन हर्ट लाइन का ही एक रूप होता है, जिससे कि जातक के अंदर इमोशंस आते हैं। दोस्तों ये गर्डल ऑफ वीनस की लाइन बैड लाइफस्टाइल या फिर अत्यधिक चिंता करने से बनता है। तो दोस्तों जब भी यह गर्डल ऑफ वीनस की लाइन जब भी जातक के हस्त पर सीमियन लाइन के साथ बनता है तो जातक के अंदर इमोशंस आते हैं, और वे पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ हद तक नॉर्मल लोगों के नेचर की तरह उनका नेचर हो जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे हस्तरेखा विज्ञान में पाए जाने वाले सीमियन लाइन के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।